हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गिरीश सोलंकी। मैं आज आपको लोकल होस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों करते हैं, लोकल होस्ट क्या है, हम लोकल होस्ट क्यों बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बारे में बताऊंगा और लोकल होस्ट आपको क्रिएट करके फिर दिखाऊंगा। ठीक है, तो लोकल होस्ट क्या है? सो सर्वर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्लोबल सर्वर अवेलेबल एंड रन ऑन इंटरनेट, जो हम इंटरनेट पे डायरेक्टली रन करते हैं। वेबसाइट आप उस सर्वर के ऊपर आप रखेंगे उसे कहते हैं ग्लोबल सर्वर। सो ये ग्लोबल सर्वर होता है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, वर्ल्ड के किसी भी कहीं से भी आप इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने डोमेन परचेस करके रखा है और आपकी वेबसाइट को अगर होस्ट करना है तो आपको इस सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, तब आप इस सर्वर को आप लेते हो, परचेस करते हो, अगर आपकी वेबसाइट को आपको ऑनलाइन करना है तो। दूसरा जो सर्वर होता है वो है लोकल सर्वर। लोकल सर्वर को हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में ही डाउनलोड करते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करके रन करवाते हैं। इंस्टॉल एंड रन ऑन लोकल सिस्टम्स विदाउट इंटरनेट, इंटरनेट के बगैर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे सिस्टम को ही हम एज ए सर्वर बना के उसका यूज़ करेंगे। उसको हम पहले डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको फिर रन करके लोकली सिस्टम में उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको विदाउट इंटरनेट उसको हम रन करेंगे। सो लोकल सर्वर हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको हम वर्चुअली एक सर्वर बनाते हैं। लेकिन ये हमें क्यों करना पड़ता है, वाई हम इसका ये इतना सारा प्रोसेस क्यों करते हैं, हम लोकली सर्वर क्यों बनाते हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? तो सो वाई वी इंस्टॉल लोकल होस्ट, हम लोकल होस्ट क्यों इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब तक बहुत सारी लैंग्वेज सीखी, HTML सीख लिया, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, जेक्वेरी सीख लिया, CSS सीखा, तब हमें कभी भी कहीं भी लोकल होस्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ हम मैन्युअली कर सकते थे। लेकिन अब हमें ये लोकल होस्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, वो रीज़न आपको पहले पता होना चाहिए कि वाई वी इंस्टॉल लोकल होस्ट। अब तक हमने HTML में, JS में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में, jQuery में, कहीं पे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी लोकल होस्ट इंस्टॉल करने की, लेकिन अब हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, तो वो आपको पहले पता होना। PHP के लिए हमें लोकल होस्ट इंस्टॉल करना पड़ता है, क्यों, उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ PHP इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्ट, इट एग्जीक्यूट ऑन सर्वर, hence it require at least a virtual server environment on local system or a execution. To local server we provide a virtual server environment to PHP for execution. ठीक है, तो जो PHP जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है, तभी PHP का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तब तक एग्जीक्यूट हम उसको नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें सर्वर एनवायरनमेंट उसको वर्चुअली बनाना पड़ता है ताकि हमारे जो PHP के कोड है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। सर्वर जो है हमें क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि जो ऑनलाइन सर्वर है वो बहुत कॉस्टली होता है, विदाउट इंटरनेट वो चल नहीं सकता है, तो इसीलिए हमें हमारी जो सिस्टम होती है उसको ही हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू, वर्चुअल सिस्टम, वर्चुअल लोकल होस्ट बना के उसको एक सर्वर बना देंगे ताकि बहुत कॉस्टली ना पड़े और बगैर इंटरनेट के भी हम हमारी वेबसाइट जो है, हमारे PHP जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सके। इसीलिए हम लोकल सर्वर बनाते हैं, उसको एक PHP को हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं सर्वर, ताकि हमारा जो सर्वर है वो कंफर्टेबल PHP कोड को एग्जीक्यूट कर सके। लोकल होस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, हाउ लोकल होस्ट क्रिएट, वर्चुअल लोकल सर्वर एनवायरनमेंट हम कैसे दे सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से आप वर्चुअल लोकल सर्वर एनवायरनमेंट कैसे दे सकते हैं?
तो वो कैसे होता है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। सो जब आप लोकल होस्ट इंस्टॉल करते हो तब आप साथ में इंस्टॉल करते हो अपाचे, अपाचे आप इंस्टॉल करते हो। अब अपाचे क्या है? अपाचे है जो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। आप जो भी पीएचपी कोड ऐड करेंगे उसको हैंडल जो करेगा वो कौन करेगा? अपाचे करेगा, ठीक है। तो सर्वर के साथ जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली पहले किसको इंस्टॉल करेगा? अपाचे को। ऑनलाइन अगर सर्वर भी परचेस करते हो तभी भी, ऑनलाइन भी अगर आप सर्वर लेंगे तो वहाँ पे भी ये ऑलरेडी अपाचे इंस्टॉल होता है, ठीक है। सो आप जैसे ही लोकल होस्ट पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर साथ में लैंग्वेज जो है वो अपाचे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आता है माई एस क्यू एल। माई एस क्यू एल के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में डेटाबेस जो भी क्रिएट करते हो वो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक। सो जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उसके साथ आप अपाचे के साथ साथ माई एस क्यू एल भी आप इंस्टॉल करोगे, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। माई एस क्यू एल जो है वो आपका डेटाबेस जो है उसको इंस्टॉल करता है। आप कोई भी डेटा रीड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वो जहाँ से पूरा प्रोसेस होता है वो माई एस क्यू एल से होता है, ठीक है। यानी कि माई एस क्यू एल क्या कर सकता है? माई एस क्यू एल आपको विदाउट बाइंग, आप कोई भी किसी भी सर्वर को परचेस किए बगैर आपका जो डेटाबेस है उसको आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ये चीज़, ये जो काम करता है वो कौन करता है? माई एस क्यू एल करता है। और इसी के साथ हम अपाचे, माई एस क्यू एल और उसी के साथ हम पी एच पी भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये तीनों मिलके अपाचे, माई एस क्यू एल, पी एच पी कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे लोकल होस्ट बनाने के लिए, वो तीनों एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे लोकल सिस्टम में। तो इस तरह से आप अपाचे, माई एस क्यू एल, पी एच पी तीनों को आप इंस्टॉल करके आपके लोकल कंप्यूटर में आप एक लोकल होस्ट बना के फिर आप एक सर्वर, वर्चुअल सर्वर जो है वो आप बना सकते हो। सो, जो लोकल होस्ट होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं। आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम विंडो 10 यूज़ कर रहे हो, एप्पल का सिस्टम यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे दूसरे अलग अलग जो भी आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप लोकल होस्ट जो है वो कौन सा डाउनलोड करेंगे और कौन सा इंस्टॉल करेंगे, वो मैं आगे अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो, अगर आपके पास, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको वैम्प यूज़ करना है। आपके पास लिनक्स है तो आप लैम्प यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप ओवेंटो यूज़ कर रहे हो तो भी आप लैम्प का यूज़ कर सकते हो, या अगर आप मैक यूज़र हो तो आप डायरेक्ट मैप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो और कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। या फिर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करे ऐसा कोई अगर लोकल होस्ट हम बना सकते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना है जैम्प, ठीक है, XOS। तो ये जो जैम्प है वो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रन कर सकते हैं। XOS आप विंडो में भी यूज़ कर सकते हो, लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हो और आप मैकिंटोस में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैम्प में होता है XX, यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये जैम्प जो है वो आप रन करवा सकते हो। तो फिलहाल मुझे अभी पता नहीं है आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं आपको जैम्प जो है वो डाउनलोड करके उसको कैसे इंस्टॉल करके कैसे लोकल होस्ट बना सकते हो वो जैम्प में मैं आपको सिखाऊंगा जैम्प, ठीक है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन होगा, चाहे आप मैक में कर रहे हो या तो फिर आप विंडो में कर रहे हो या तो फिर आप लिनक्स में कर रहे हो, ठीक है। तो हम अभी जैम्प जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप चले जाइए अपने ब्राउज़र में, जो भी आप ब्राउज़र इंस्टॉल किया हो आपके, गूगल क्रोम हो तो गूगल क्रोम ले लो आप, मेरे पास अभी मोजिला है तो मोजिला में आप चले जाइए। मोजिला में जाके यहाँ से आपको न्यू टैब, गूगल में लिखूँगा मैं यहाँ पे जैम्प,
ठीक है, जैसे मैंने जेम्प लिखा तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ गई है। तो मैंने ऑलरेडी जेम्प जो है वो डाउनलोड करके है मेरे पास, मैंने रखा हुआ है। अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, और वेबसाइट में यहाँ पे सबके लिनक्स के लिए जेम्प फॉर OS X और जेम्प फॉर लिनक्स एंड जेम्प फॉर विंडो। तो मैं अभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड मेरा जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो मेरा डाउनलोड का जो फोल्डर है उसमें मैंने जेम्प जो है वो डाउनलोड कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से ओपन से यस। तो अभी मेरा जेम्प जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू हैव एन एंटीवायरस रनिंग इन सम केस दी मे स्लो डाउन योर इंटरफेस द इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, प्लीज़ विजिट द फॉलोइंग लिंक टू लर्न मोर अबाउट दिस। तो ये मुझे बता रहा है कि हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है वो अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो फिर ये आपके सिस्टम को क्या करेगा। तो मुझे अभी कंटिन्यू अगर आपको करना है तो मैं बोलूँगा यस, मुझे कंटिन्यू करना है। बिकॉज अन एक्टिवेट यूज़र अकाउंट कंट्रोल ऑन योर सिस्टम सम फंक्शन जेम आर पॉसिबल रिस्ट्रिक्टेड विथ USE, प्लीज़ अवॉइड टू इंस्टॉल Xampp 2C। ये क्या बता रहा है कि भाई आपका जो ये सी ड्राइव है उसके अंदर आप इस सॉफ्टवेयर को मत इंस्टॉल करो। कई बार कोई भी अगर सिस्टम में प्रॉब्लम आए तो कुछ एक फंक्शन जो है वो आपको वर्क नहीं करेंगे जेम के, तो आप सी की जगह आप डी ड्राइव में या तो फिर कहीं पे भी दूसरी ड्राइव में आप इंस्टॉल करो। ठीक है, मिसिंग अ राइट परमिशन और अ डीएक्टिव USE विथ MC कन्फर्मिंग आफ्टर दिस सेटअप। तो मैं ओके दूंगा, यहाँ से करूँगा नेक्स्ट। यहाँ से ये मुझे बता रहा है कि भाई सिलेक्ट द कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट आपको चाहिए, मुझे अभी सभी चाहिए। और मैं यहाँ पे कर दूंगा सी की जगह ड्राइव चेंज, मैं कर दूंगा सी की जगह ई। ई के अंदर एक फोल्डर बना दूंगा, फोल्डर का नाम दूंगा मैं जेम्प। इसको सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ से दूंगा मैं नेक्स्ट नेक्स्ट। सो ये मेरा जेम्प का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। और वो मुझे पूछ रहा है कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है, US इंग्लिश चाहिए, तो यस सेव। जैसे ही मैंने सेव का ऑप्शन दिया तो वो अपने आप वो सॉफ्टवेयर रन हो गया। अब यहाँ से जेम्प कंट्रोल पैनल 3.2.2 वर्जन है इसका। अब इसमें से कौन कौन सी सर्विसेज आपको स्टार्ट करनी है, अभी मैं अपाचे स्टार्ट करूँगा, फिर MySQL स्टार्ट करूँगा। अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, आपकी फ़ाइल अपलोड करनी है, तो फिर आप फाइल जिला भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं वो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा, मोजिला में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, एंटर। देखो ये है मेरा, हाँ फर्स्ट डैशबोर्ड मेरा आ गया है लोकल होस्ट का। यहाँ पे मैंने जो दिखा रहा है डैशबोर्ड, यानी कि मेरा जो जेम्प है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, एंटर। देखिए PHP माई एडमिन भी मेरा हो गया है। मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाऊँगा, अब मैं यहाँ से क्रिएटेड डेटाबेस, अब मैं डेटाबेस भी यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने कम्प्लीटली परफेक्ट कैसे लोकल होस्ट बनाते हैं, उस पर वर्क कैसे होता है, जेम्प का यूज़ कैसे होता है, लोकल होस्ट क्या है, वर्चुअल सर्वर हम क्यों बनाते हैं, इसको डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर ऑल विजिटर, इस वीडियो में मैं अब आपको इतना ही सिखा पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी PHP डेटाबेस को हम कनेक्ट करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, और एक थीम को कस्टमाइज़ करेंगे, और एक खुद की थीम भी कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा।
तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप सब्सक्राइब कर दो, मैं आगे भी बहुत इसके रिलेटेड वीडियो और ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट।